नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। सरकारी नौकरी पाना सबका सपना होता है। अगर आप भी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं और आपकी योग्यता 12वीं पास से ज्यादा है तो आपके लिए फायरमैन बनने का सुनहरा मौका है। जी हाँ, अगर आपकी दिलचस्पी बिहार पुलिस में है, बिहार पुलिस में आप नौकरी करना चाहते हैं और फायरमैन के तौर पर सर्विस देना चाहते हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है, क्योंकि वैकेंसी आई है। केंद्रीय चयन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल बिहार ने बिहार पुलिस फायरमैन की भर्ती के लिए आवेदन मांगा है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 25 मार्च 2021 है और अगर आपका चयन होता है तो हजारों में आपको वेतन मिलेगा। चलिए ये भी बताते हैं कि आपको कितना वेतन मिलेगा। स्तर 3 के तहत 21,700 से लेकर 69,100 रुपए आपको वेतन मिलेगा। फायरमैन के कुल पद की संख्या 2,380 है। अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुष फायरमैन के लिए 1,487 वैकेंसी है, वहीं महिला फायरमैन के लिए 893 वैकेंसी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि फायरमैन बनने के लिए आयु सीमा क्या कुछ तय की गई है। अगर आप सामान्य कैटेगरी में आते हैं तो आपकी आयु 18 से 25 साल होनी चाहिए। वहीं अगर आप बीसी या ओबीसी कैटेगरी के पुरुष हैं तो आपकी आयु 18 से 27 साल होनी चाहिए। अगर आप बीसी और ओबीसी कैटेगरी की महिला हैं तो आपकी उम्र 18 से 28 साल होनी चाहिए। वहीं अगर आप एससी एसटी श्रेणी से आते हैं तो आप 18 से 30 साल तक की उम्र तक में भी इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। सीएसबीसी की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाकर 25 मार्च 2021 तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप फायरमैन बनना चाहते हैं तो दो चरणों में आपको क्वालिफाई करना होगा। सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट पास करना होगा, उसके बाद फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आपको पास करनी होगी। जो भी उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं वो उम्मीदवार इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए आवेदन शुल्क 450 रुपए है। सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 450 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। सीएसबीसी की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं और आवेदन शुरुआत की तिथि जहां 24 फरवरी है, वहीं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 मार्च है। जिस भी उम्मीदवार ने भर्ती अभियान के लिए पंजीकरण किया है उन उम्मीदवारों को सबसे पहले लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा को पास कर लेंगे उन्हें उसके बाद फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए उपस्थित होना होगा। इसी तरीके से हर वक्त हम आपको अहम जानकारी बिहार से जुड़ी देते रहेंगे। साथ ही अगर कोई सरकारी नौकरी में वैकेंसी आई है तो उसकी जानकारी भी सबसे पहले आपको बिहार तक ही देगा। देखते रहिए बिहार तक।